student, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita and today I will teach you chapter number 1st of class 9th geography. Geography का जो chapter number 1st है, India size and location. जैसा नाम से ही clear है कि India का size और उसकी location. कि India का size कितना है, उसकी location कहाँ पर situated है, वो कितने degree पर situated है, कौन से hemisphere में है और किस तरह के इसके जो आसपास का area है वो कैसा है. Let's start this chapter. Firstly, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हेमिस्फीयर में है इंडिया. तो हेमिस्फीयर से पहले हमें पता करना होगा हेमिस्फीयर होता क्या है और हेमिस्फीयर कहाँ पर कैसे है. आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के बीच में एक लाइन होती है, इस तरह से एक लाइन होती है तो वो ग्लोब को टू पार्ट में डिवाइड करती है. इट मीन्स जो हमारी अर्थ है उसको एक इमेजनरी लाइन जो टू पार्ट में डिवाइड करती है वो होती है इक्वेटर. इट मीन्स हमारी अर्थ को एक लाइन जो टू पार्ट में डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर. इसके टू पार्ट में होने के बाद ये टू हेमिस्फीयर बन गए. इट मींस एक हाफ पार्ट ऊपर एक हाफ पार्ट नीचे. जो ऊपरी हाफ पार्ट है या जो टॉप हाफ पार्ट है इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को लोअर पार्ट को हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसके टॉप पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल और जो साउथ यानी कि जो डाउन पार्ट है उसके जो लोअर पॉइंट है इसको बोलेंगे साउथ पोल. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ये किसके रीजन से है टू पार्ट, ड्यू टू इक्वेटर. अब इसमें इंडिया कहां पर सिचुएटेड है, इंडिया की जो लोकेशन है वो कहां पर है. तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी ईस्ट पार्ट में है. इट मींस ये इधर के वेस्ट पार्ट में नहीं, ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है. अब अर्थ के जो मिड पार्ट है या फिर अर्थ को डिवाइड करने के लिए या हर कंट्री को ये बताने के लिए कि ये कितनी डिग्री पर सिचुएटेड है तो इसके लिए इमेजिनरी लाइंस ली गई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स. इमेजिनरी लाइंस है वो जिसमें आती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड या लॉन्गिट्यूडनल लाइन और लैटिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल इट मीन्स जो जो खड़ी लाइंस होती है और लैटिट्यूडनल मीन्स जो लेटी हुई लाइंस होती है. तो इसको आप एक इजी वे में लर्न कर सकते हो. अब इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया सिचुएटेड है, जो हमारा एक बहुत प्यारा कंट्री इंडिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कितनी डिग्री पर है, कितने लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है और कितना इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है. अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं तो लैटिट्यूडनल कैसे हुआ, इस तरह से. इट मीन्स इसने जो लैटिट्यूडनल लाइन है उसमें कहाँ से स्टार्ट है, 8 degree 4 minute नॉर्थ और ऊपर आ जाएगा आपका 37 degree 6 minute नॉर्थ. ये जो सिंबल है इसको ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की तो लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह से आ जाएगा. इट मींस इस तरह की जो लाइन होती है, जो आपको ये दो लाइन दिखाई दे रही है ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है. तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68 degree 7 minute ईस्ट से लेकर और 97 degree 25 ईस्ट तक है. अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि यहाँ पर तो वेस्ट होना चाहिए ईस्ट क्यों है, लेकिन अगर हम अपने अर्थ में या अपने ग्लोब में यहाँ पर देखते हैं तो ईस्ट पार्ट में, इसलिए इसको ईस्ट शो किया गया है. और ये दोनों एन से इसलिए शो किया गया है, इट मींस नॉर्थ में इसलिए शो किया गया है क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट में, साउथ पार्ट में नहीं है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ई और एन क्यों लिखा हुआ है. अब इसमें जो जिस तरह से वर्ल्ड को टू पार्ट में एक लाइन डिवाइड करती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, सेम वे इंडिया को भी एक लाइन डिवाइड करती है टू पार्ट में, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. अगर इंडिया के लेंथ और विड्थ की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसमें 2933 किलोमीटर तो इसकी आ जाएगी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है. और अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करते हैं तो आ जाएगा 3214 किलोमीटर. इंडिया की वाटर बॉडी की बात करें या सी की बात करते हैं तो आता है कि जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का यहाँ पर अरेबियन सी है और दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है. इट मींस ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में अरेबियन सी. जो बे ऑफ बंगाल है उस साइड जो आइलैंड है वो कौन सा, अंडमान है, निकोबार. और वेस्ट साइड में जहां पर अरेबियन सी है वहां पर कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड. तो ये आइलैंड सिचुएशन है जो इंडिया की कोस्ट लाइन बनाती है, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और बाकी ये लैंड बाउंड्री बनाती है. इंडिया की लैंड बाउंड्री है, इट मींस इंडिया जो लैंड से टच है कि हमारे जो नेबर्स कंट्री है उनके साथ टच है, वो लैंड बाउंड्री कितनी आ जाएगी, 15,200 किलोमीटर. अगर हम कोस्टल साइड देखते हैं या कोस्टल लाइन को देखते हैं तो ये आएगा 7,516.6 किलोमीटर. तो लैंड बाउंड्री ज्यादा है और कोस्टल बाउंड्री कम है. तो इंडिया की जो ये लोकेशन है या इंडिया का जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड है
उसमें टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का टाइम पीरियड में 2 आवर्स का डिफरेंस है, इट मीन्स 2 घंटे का डिफरेंस आएगा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया में हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं तो 68°7' ईस्ट से लेकर 97°25' ईस्ट तक है, तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखते हैं तो 30 के लगभग है, तो उन 30 लाइंस में हर लाइन को क्रॉस करने में सन की रेस को 4 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर हम 30 × 4 करते हैं तो ये कितने हो गए 120, और 120 में कितने आवर्स होते हैं 2 आवर्स, तो इसमें हमारे जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का टाइम पीरियड है उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। लेकिन इस क्लैश को कम करने के लिए, यानी कि जो टाइम पीरियड का क्लैश आ रहा था, जो टाइम पीरियड में डिस्पार्टीज आ रही थी, डिफरेंस आ रहा था वेस्ट टू ईस्ट, उसको खत्म करने के लिए, उसको उसका सॉल्यूशन करने के लिए स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनाई गई, और उस वो लाइन कहां पर बनाई गई, मिर्जापुर यूपी में, इट मींस वहां पर इंडिया का सेंटर पार्ट है एज अ लॉन्गिट्यूडनल, जिससे जो मेरिडियन लाइन बनाई इस साइड के भी इस टाइम को फॉलो करेंगे और उस साइड के भी इस टाइम को फॉलो करेंगे, तो जिससे कोई भी चांसेस नहीं होंगे कि डिफरेंस होगा कि 2 आवर्स का जो डिफरेंस आ रहा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तो वो डिफरेंस खत्म हो गया है, तो सभी इस टाइम को फॉलो करते हैं जिससे हमारा टाइम पीरियड सबका सेम आता है पूरे इंडिया का। इंडिया का जो प्यारा सा साइज और लोकेशन है, आप कहीं देखते हो कि कहीं कोस्ट लाइन है, कहीं पर लैंड लाइन है, कहीं पर माउंटेन्स है, और यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर माउंटेन्स आ जाते हैं, यहाँ पर वाटर बॉडीज है, इधर लैंड एरिया है, साथ में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो नेबर्स कंट्री है, इंडिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी है, नेबर्स कंट्री है, इंडिया का मैक्सिमम कंट्री के साथ बेस्ट रिलेशन है, ओनली आप देखते हो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में चाइना के साथ भी थोड़ा सा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिससे प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड एक इतनी पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके जो नेबरिंग कंट्री है, ईस्ट में पार्ट में कौन से, वेस्ट में कौन से, नॉर्थ में और साउथ में कौन कौन से कंट्री है। तो फर्स्टली नॉर्थ वेस्ट, इट मीन्स इस पार्ट में कौन कौन से कंट्री है, तो आप सबको पता होगा इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर हम बात करते हैं सब नॉर्थ पार्ट की, तो नॉर्थ पार्ट में आपका आ जाएगा चाइना, नेपाल और भूटान। अगर हम बात करते हैं ईस्ट पार्ट की, तो ईस्ट पार्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं उधर, बांग्लादेश और म्यांमार, और साउथ पार्ट में एक प्यारा सा श्रीलंका और मालदीव कंट्री। तो ये कंट्री जो इंडिया के नेबर कंट्री है और इनके साथ इनकी बेस्ट रिलेशन, इवन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की तो फॉर्मेशन ही इंडिया ने करवाई थी ड्यूरिंग 1971। इंडिया की साइज और लोकेशन में हमने देखा कि इंडिया कितनी अच्छी पोजीशन पर है, जिसके कोस्टल लाइन भी है, लैंड बाउंड्री है, इवन माउंटेन्स भी है, आप नॉर्थ पार्ट में देखते हो हिमालय माउंटेन है और वो काफी लॉन्ग एरिया को कवर किए हुए हैं, तो वो माउंटेन होने के रीजन से भी हमारे इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक मानसून का आना, अदरवाइज इंडिया तो हमेशा ड्रॉट में रहता, तो ये सारे फीचर्स इंडिया की है। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लोकेशन। इंडिया की लोकेशन के एडवांटेजेस क्या है, कि जो इंडिया लोकेट है तो उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंस है कि अदर कंट्री के साथ कनेक्टिविटी बेस्ट है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इंडिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, एशिया के सेंटर पार्ट में इंडिया लोकेटेड है, क्योंकि हम कौन से कॉन्टिनेंट से, एशिया से, तो एशिया के सेंटर पार्ट में सिचुएटेड होने के रीजन से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अनदर कंट्री के साथ बेस्ट है। पॉइंट नंबर सेकेंड आता है, इंडिया हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशियन। इंडिया के जो साउथ पार्ट में इंडियन ओशियन है उसका लार्जेस्ट पार्ट इंडिया के साथ लगता है, जिसके रीजन से इंडिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और अनादर कंट्री के साथ इसकी कनेक्टिविटी ड्यू टू इंडियन ओशियन बेस्ट होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, कनेक्टिविटी टू यूरोप, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया फ्रॉम वेस्ट कोस्ट। जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है उससे वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है। दूसरी साइड ईस्ट कोस्ट के साथ, ईस्ट एशिया की जो पार्ट है ईस्ट एशिया का, वो ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है, मोस्ट शिप्स ट्रेवल थ्रू इंडियन ओशियन। इंडिया के साउथ पार्ट में इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट पार्ट इंडिया के साथ कनेक्ट है, और मैक्सिमम शिप्स जो आती है
उसी के थ्रू आती है। इसके रीजन से इंडिया को बेनिफिट भी होता है, साथ में इंडिया की अनदर कंट्री के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ती है और इंडिया की इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लैंड रूट आर वेरी गुड ऑफ इंडिया एंड दैट वॉज रीजन अवर स्पाइसेस ट्रेड स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया स्पाइसेस के लिए पॉपुलर है, इंडिया में जितने भी स्पाइसेस होते थे अनदर कंट्री में वो कैसे गए, तो कैसे गए, थ्रू लैंड रूट, या जो माउंटेन से पासिस थे उनके थ्रू। तो जो लैंड रूट है वो बहुत बेस्ट है, अच्छा है, जिसके रीजन से अनदर कंट्री के साथ कनेक्टिविटी बेस्ट है और अनदर कंट्री के साथ जो कनेक्टिविटी बढ़ी तो उससे हमारे स्पाइसेस अनदर कंट्री में गए, अनदर कंट्री की जो भी गुड्स थी वो इंडिया में आई। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं प्रिंट की, प्रिंट कल्चर, तो प्रिंट कल्चर कहाँ से आई, चाइना से इंडिया में आई, तो ये सब लैंड रूट के रीजन से हुआ। अगर लैंड रूट बेटर नहीं होता तो अनदर कंट्री की गुड्स हमारे इंडिया में नहीं आती और हमारी गुड्स नहीं, इवन हम कह सकते हैं आइडियाज और जो हमारी कल्चर है स्प्रेड हुई। तो ये सारे आइडियाज, ये सारे गुड्स कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए या एक दूसरे कंट्री से कनेक्ट हुए, ड्यू टू लैंड रूट। या कि रूट्स की ये सारी फीचर्स है, चाहे उसमें आ जाता है आपका कोस्टल एरिया आए या फिर ओशियन रूट आ जाए या लैंड रूट आ जाए, अनदर कंट्री के साथ इसकी बेस्ट कनेक्टिविटी है और बेस्ट कनेक्टिविटी होने के रीजन से इसकी इम्पोर्टेंस है, एडवांटेज है। तो इंडिया की साइज और लोकेशन में इंडिया की सिचुएशन बेस्ट है, हमें ये प्राउड होना चाहिए, वी आर इंडियन। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा रिगार्डिंग इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है वर्ल्ड में, कौन से हेमिस्फीयर में है और कौन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया के साउथ पार्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, और साथ में इसके नेबर्स कंट्री और इंडिया की एडवांटेजेस। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़े, आई होप आपको सबको क्लियर भी हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।